हेलो भाइयों, मैं हूं तुषार गौतम। और भाई, अपनी फैमिली में एक नया मेंबर ऐड हुआ है, आप देख सकते हो सामने। और ये है भाई TVS अपाचे RTR 164V। और भाई, हमने यही बाइक क्यों प्रेफर करी, हमने यही क्यों ली पल्सर NS को छोड़ के, और इसमें हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। और भाई, सबसे अच्छा मुझे एक वन वर्ड में अगर मैं बोलूँ, इसकी डिज़ाइनिंग भाई बहुत ही प्यारी लगती है, ब्लैक कलर के अंदर तो खासकर। ये जो दुलाने के बाद जैसी लगती है ना, चमकती है भाई, काफ़ी अच्छी लगती है। और एक इसका भाई एग्जॉस्ट नोट आप सुनोगे ना, दीवाने हो जाओगे भाई इस बाइक के। फ्रंट से अगर हम बात करते हैं तो भाई, आपको इसके अंदर LED हेडलाइट मिलती है। यहाँ पर आप देखोगे तो DRL मिलेगा आपको, और इसके अंदर हाई बीम और लो बीम आपको दोनों LED में मिलते हैं। लेकिन भाई, इंडिकेटर जो हैं आपको इसके अंदर हेलोजन ही मिलेंगे। अगर LED होते तो और भी काफ़ी अच्छा होता। सस्पेंशन की बात करें, आपको इसके अंदर USD फोक्स नहीं मिलते हैं, नॉर्मल ही आपको ये मिलते हैं। वो थोड़ा सा है कि इसको अपग्रेड किया जा सकता था, लेकिन चलो फिर भी कंपनी ने इसके अंदर नहीं दिए गए हैं। और टायर सेक्शन की अगर हम बात करें तो 17 इंचेस का आपको इसके अंदर अलॉय मिलता है। और इसके अंदर ये जो वेरिएंट है, इसके अंदर टोटल 6 वेरिएंट्स आते हैं। ये वाला है जिसके अंदर आपको ABS मिलता है, डुअल चैनल ABS, और डुअल डिस्क मिलता है। इससे ऊपर बस एक ही आता है जो कि रेसिंग एडिशन है, उसमें थोड़ा रेड एसेंस आपको मिल जाते हैं। वो भी अवेलेबल था, लेकिन वो मुझे कुछ इतना कुछ खास लगा नहीं, तो मैंने ये ऑल ब्लैक के अंदर ये प्रेफर किया लेना। और इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर TVS रेसिंग की ब्रांडिंग की गई है, यहाँ पर हाइपर एज भी लिखा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। अगर हम इंजन की बात करें तो इसके अंदर भाई हमको 17.55 PS की पावर मिलती है, और 14.73 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि भाई काफ़ी फैंटास्टिक है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसके अंदर निकल के आती है। 160 cc का इंजन है ये। और साइड में आपको जो है सिल्वर एसेंस भी मिलते हैं, अपाची की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। और ऐसा कुछ भाई, ये साइलेंसर है, और इसका जो ये काफ़ी बेस ही आपको मिलता है, काफ़ी अच्छा साउंड करता है। यहाँ पर RTR 164V की आपको बैजिंग मिलती है। यहाँ पर आपको मड फ्लैप, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, क्योंकि इसके जो टेल टाइडी है वो काफ़ी शॉर्ट है, तो उसके लिए ये दिया गया है। पीछे की साइड अगर आप देखोगे तो डिस्क सेटअप इसके अंदर मिलता है। अगर हम बात करें इसको चलाने में, वो आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे कि पावर कैसी है, पावर डिलीवरी कैसी है, तो वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में आगे देखने के लिए मिलेंगी। और इस साइड आपको साइडी गार्ड मिलता है इसके अंदर, और इधर भी आपको RTR 164V की बैजिंग मिल जाती है। और पीछे की साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बैकलाइट जो है वो भी टेल लाइट ऑल LED सेटअप के अंदर आपको मिलती है। बस ये भाई खटकते हैं, ये LED और हो सकते थे तो काफ़ी अच्छी इसकी और लुक निकल के आती। तो भाई, जितना भी इसको देखो ना भाई ब्लैक कलर के अंदर, उतना ही प्यार बढ़ता जाता है इससे, ठीक है। और टैंक की अगर हम बात करें तो भाई ऐसा कुछ ग्राफिक्स मिलते हैं, RTR 164V की बैजिंग है, और 12 लीटर का आपको ये टैंक मिलता है, जो कि कंपनी क्लेम करती है भाई इसके अंदर एवरेज जो है आपको 40-35 के आसपास मिल जाती है, बाकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है भाई कैसे चलाते हो। और इसके अंदर आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाती है, गियर पोजीशनिंग की, ब्लूटूथ की, और टाइम की, और यहाँ से आप चीज़ों को टॉगल कर सकते हो। और आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देख लो 212 किलोमीटर अभी तक ये चल चुकी है। और क्वालिटी की बात करें स्विचेस की और तो काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। और इसके अंदर आपको 3 मोड मिलते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो स्पोर्ट्स, रेन और अर्बन, 3 तरीके के आपको इसके अंदर मोड मिल जाते हैं।
तो काफ़ी सारे फीचर्स इसके मिलते हैं। और एक्स कनेक्ट इसके अंदर मिलता है, स्मार्ट कनेक्ट जिसको बोलते हैं। आप यहाँ पर बैजिंग देख सकते हो उसकी, और TVS रेसिंग यहाँ पर भी आपको मिलता है। तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, फुली लोडेड बाइक है भाई ये। और अगर इसकी प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो भाई ऑन रोड हरियाणा के अंदर तो ये 1,70,000 के आसपास आपको ये मिल जाती है। और प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से बताऊं, अगर इसमें USD फोक्स और होते और ये सारी चीज़ें LED हो जाती तो भाई ये काफ़ी अच्छा पैकेज बन जाता है। लेकिन उसके अलावा भी मुझे तो भाई ये काफ़ी अच्छी बाइक लगती है इन टर्म्स ऑफ लुक्स भी, और TVS के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है पहले से भी है। वो एक बार एग्जॉस्ट नोट इसका सुना देता हूँ, और यहाँ से इसको करते हैं और ये करते हैं, और भाई ऑन होते ही आप देख सकते हो कितना प्यारा बेस निकल के आता है। अगर आप इसको रेव करते हो तो देखो, तो भाई ऐसी कुछ आपको साउंड मिलती है। और जब आप इसको राइड करते हो तो आपको जो फील आती है एग्जॉस्ट की, वो भाई अनमैचेबल है। अब बारी है भाई इसको चला के देखने की और आपको बताने की कि भाई कैसी पावर आपको इसके अंदर मिलती है। तो भाई अब करते हैं इसको स्टार्ट, और स्टार्ट करते ही आपको बेस फील होना शुरू हो जाता है। अब चलते हैं भाई धीरे धीरे, पहले यहाँ से निकलते हैं। और सस्पेंशन की अगर बात करें तो भाई काफ़ी आपको स्मूथ मिलता है, ना ही ज़्यादा आपको रिजिड मिलता है, और जो ओवरऑल ड्राइविंग प्लेजर है भाई वो काफ़ी अच्छा मिलता है इसके अंदर। जो खड्डे हैं वो काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है बाइक। तो भाई ऐसा कुछ आपको इसके अंदर मिलता है, पावर जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती है इसके अंदर, काफ़ी लीनियर परफॉर्मेंस आपको मिलती है, और इसको भगाने का मजा कुछ अलग ही है भाई। इसके अंदर आपको जो 160 इंजन मिलता है 164V का, वो काफ़ी स्मूथ है भाई। और इसके अगर मैं टैंक की बात करूं तो वो एक अच्छी ग्रिप आपको देता है, जो साइड ग्रिप आपको मिलती है इसकी यहाँ से, तो वो काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। अगर मैं बात करूं इसके पूरे ओवरऑल ड्राइविंग प्लेजर की तो भाई वो बिल्कुल फैंटास्टिक है। अगर आप इस बाइक के लिए जाना चाहते हो तो आप बेझिझक जा सकते हो, आपको कहीं से भी रिग्रेट फील नहीं होगा कि मैंने ये बाइक चूज़ की है। और मैंने आपको बाकी पहले भी बताया है कि मेरा TVS के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो सर्विस के मामले में हो या फिर परफॉर्मेंस के मामले में हो, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें होती हैं भाई। तो एक इंडियन ब्रांड है, हमको इसको सपोर्ट भी करना चाहिए। और जो है कंपनी देखो प्रोडक्ट अच्छा बनाती है, वो एक्सपीरियंस होता है आपका डीलरशिप को लेके, जो आप सर्विस करवाने जाते हो वहाँ पर आपको कैसे ट्रीट किया जाता है, तो वो काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, वहाँ पर चीज़ों को सुना भी जाता है। तो तीन या चार बाइक ऑन करने के बाद मैं आपको ये वर्डिक्ट बोल रहा हूँ कि TVS को आप ऑन कर सकते हो, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन एक इंडियन ब्रांड है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, तो उस लिहाज से मैं आपको बोल रहा हूँ। सो भाई इस वीडियो में बस इतना ही, आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुषार गौतम।